उसमें आप लोगों को किस प्रकार से एडजस्ट करेंगे इस पर भी सरकार विचार सर हमारा तो एक मान्य और निवेदन है कि हमको इसी वेतन सिर्फ जॉब सिक्योरिटी मिल जाए क्योंकि होता क्या है कि नया ठेकेदार आता है नए लोगों को पैसे के दम के रजिस्ट्रेशन के नाम से 5-5 हज़ार रुपये देता है उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम से कहीं कहीं निकल आ जाता है तो सबसे बड़ी एक तो समस्या हमारी ये है कि जॉब सिक्योरिटी एक बार हमारी हो जाए तो बड़ी कृपा होगी वो भी कर देंगे। पर भैया सबसे मेरे निवेदन है जितनी मेरी बात सुन रहे ये जो कोई कुछ लोग जो ग्रिड व्रिड बंद करने का मामला आता है ठीक है ना थोड़ी जवाबदारी आप लोगों की बनाइए मान्यवर ये विद्युत सप्लाई के बारे में आपको सबको शपथ लेनी पड़ेगी बिल्कुल शपथ ये विद्युत सप्लाई बाधित हमारे किसी कर्मचारी द्वारा नहीं होगी और ना कोई ऐसा कृत्य करेंगे जो उपभोक्ताओं के विरोध में हो या जिससे सरकार को डिपार्टमेंट को नीचे देखना पड़े भैया क्योंकि शिकायत आती है हम जांच करवाते हैं कई बार हमें कार्रवाई करनी पड़ती है और वो कार्रवाई जब होती है फिर आप लोगों का संघ की तरफ से एक बात आती है कि ये कार्रवाई क्यों हुई फिर देखिए जो गलत काम करेंगे उनको पनिश तो करना पड़ेगा आपके साथ हमें आपकी सुविधाएं मिले आपको समय पे तनख्वाह मिले आप लोगों के जो अधिकार हैं वो सुंदर वो मतलब संरक्षित रहें जो एक मानव अधिकार है आप लोगों के संरक्षित रहें जहाँ कंप्लेन मुझे मिली कि 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करवा रहे थे वहाँ मैंने खुद ने हस्तक्षेप किया आपको मालूम होगा अगर देवास में मैंने खुद ने हस्तक्षेप किया मैंने व्यक्तिगत हस्तक्षेप किया मैंने बोला यार इंसान से इंसान की तरह काम करवाओ ठीक है ना पहले कोई मंत्री आता था क्या ऐसे तो मैं जमीन तक जाके हस्तक्षेप किया मैंने तो मेरा सिर्फ इतना कहना भाई कि ये शिकायतें आप लोगों को दूर करो आप अच्छा काम करो झाबुआ सब झाबुआ जिले में काम कर रहा है 305 जो है एक संविधान एक अलग अलग हो गया ये आउटसोर्स वो छुट्टी का प्रावधान हम टेंडर में कर रहे हैं छुट्टी का प्रावधान हम टेंडर में कर रहे हैं आपके प्रावधान भी कर रहे हैं ठीक है ना अब देखिए क्या है आप चाह रहे हो टेंडर नहीं हो पर ये सरकार की भी अब 47,000 करोड़ रुपए के घाटे वाली कंपनी में मैं आपको नौकरी करके लिए तनखा खा दूँ कहीं ना कहीं व्यवस्था कहीं ना कहीं कंपनी से देगा 700 करोड़ रुपए सर ऐसे कंपनी के पास।